सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। सो गाइज यार, आज की इस गेमिंग वीडियो के अंदर यार बात करेंगे कि यार आप किस तरीके से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर रॉयल पास के आरपी पॉइंट्स को किस तरीके से ज़्यादा ले सकते हो। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो यार आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो यार अब बात कर लेते हैं इस वाली वीडियो के बारे में। तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से ज़्यादा आरपी पॉइंट्स को किस तरीके से ले सकते हो। क्योंकि देखो, आपको पता है कि भाई आरपी पॉइंट्स हमें मिशंस वगैरह करने पर मिलते हैं, जो कि हमें रॉयल पास के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ अलग तरीका बताने वाला हूँ, जिससे भाई आपको रॉयल पास के मिशंस के अलावा आरपी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है तो भाई इस वाली वीडियो का एंड तक देख लेना। वैसे देख ही लेना, क्योंकि यार काफ़ी सारे बंदों के रॉयल पास के मिशंस वगैरह कंप्लीट ही नहीं हो पाते, जिनसे यार वो अपने रिवॉर्ड्स नहीं ले पाते, उनकी आरपी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो मतलब थोड़ा नुकसान रहता है। तो ये वाली वीडियो यार उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल होने वाली है, जिससे भाई वो मतलब अपनी आरपी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और अपने मिशंस कंप्लीट हो ना हो, लेकिन अपने आरपी पॉइंट से अपनी आरपी कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आप भी उनमें से एक हो जिनकी भाई आरपी जल्दी से कंप्लीट नहीं हो पाती, तो भाई ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो यार इस वाली वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट यार बिल्कुल नहीं करते, तो शुरू करते यार वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस यार बात कर लेते हैं आप किस तरीके से आरपी पॉइंट्स को बढ़ा पाओगे। तो यार इसके लिए एक नया इवेंट आया है, आप देख सकते हो, बोनस आरपी पॉइंट्स के नाम से आपको एक इवेंट मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो भाई आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप इसके नाम से यहाँ पे पहचान गए होगे कि भाई बोनस आरपी पॉइंट्स, मतलब कि यार आरपी पॉइंट्स का बोनस यहाँ पे आ गया है। और बात करें कि भाई ये कब से कब तक चलेगा, तो भाई ये इवेंट आज ही चालू हुआ है और 20 तारीख तक ये इवेंट देखने को मिलेगा। अभी देखो यार, मैं आप लोगों को ये वाला इवेंट एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ, जिससे यार आपको पूरा का पूरा इवेंट समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता फिर आपको ऐसी कोई दिक्कत होगी जिससे आपको ये इवेंट समझ ना आए। तो सबसे पहले तो यार आप लेफ्ट साइड में देख लो, जो ये मिशंस वगैरह आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे टोटल 8 मिशंस है, आपको 8 ही मिशंस करने हैं। अब टोटल 10 दिन है जो आपके पास, इन 10 दिनों में सिर्फ आपको ये 8 ही मिशंस करने हैं। ऐसा नहीं कि अगले दिन ये मिशंस चेंज हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टोटल यार 8 ही मिशंस करने हैं, जो कि आप ये देख पा रहे हो। अब करो या फिर कुछ दिन बाद करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल यही 8 मिशंस है। अब मिशंस के बदले में यार आपको ये टोकन या मेडल जो आप देख रहे हो ये मिलेंगे। इन्हीं टोकन और मेडल से यार आप अपने आरपी पॉइंट्स को बढ़ा पाओगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से। लेकिन जिन बंदों को यार जो रूल्स वगैरह पढ़ने हैं, तो भाई आप रूल्स पढ़ सकते हो, वैसे ज़्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू चीज़ ही लिखी हुई है। लेकिन इसे साइड में हटाओ। अब देखो मिशंस आपको करने का है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यार आप राइट साइड में देख ही पा रहे हो, गेट फॉर फ्री के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप उस पर टैप करोगे तो भाई आपको यहाँ पे कुछ आरपी पॉइंट्स वैसे फ्री में मिल जाएंगे। तो एक बार मैं जल्दी से टैप कर देता हूँ, तो आप देख लो भाई 20 आरपी पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। अब जैसे आप यहाँ से टोकन या फिर मेडल ये कलेक्ट करोगे, तो भाई आपकी जो आरपी पॉइंट्स है इससे मल्टीप्लाई होने चालू हो जाएंगे, जिससे भाई आपकी यहाँ पे आरपी बढ़ेगी। तो यार आपको इसे यूज़ कैसे करना है, तो जैसे आपको यहाँ से टोकन या फिर मेडल मिलेगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ पे भाई ये सिक्का बना पड़ा है, उसके आगे लिखा हुआ है बोनस। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो भाई आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा और आपको यहाँ पे कुछ आरपी पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब देखो जितने भी आरपी पॉइंट्स मिलेंगे आपको भाई इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपके भाई मिशंस वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाते, तो अभी से यहाँ से आरपी पॉइंट्स इकट्ठा करना चालू कर दो, जिससे यार आपको आने वाले सीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपनी आरपी कंप्लीट करने में। अब देखो एक डाउट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये जो आरपी पॉइंट्स है इस सीज़न में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको ये अगले सीज़न में यूज़ कर पाओगे। तो भाई अगर आप ये अभी कंप्लीट करते हो तो अगले रॉयल पास के अंदर आपकी आरपी काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि आप ये आरपी पॉइंट्स अगले सीज़न में ही यूज़ कर पाओगे। तो यार आपको अपने अगले सीज़न के अंदर आरपी काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ानी है, तो भाई ये इवेंट का फ़ायदा उठा लेना, क्योंकि भाई इस इवेंट मतलब 10 दिन का इवेंट है, तो भाई 10 दिन बाद ये वाला इवेंट एंड हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी फ़ायदा उठा लो, और जिन बंदों को भाई आरपी वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं, इस वाली वीडियो को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। तो फिलहाल यार कुछ यही था आज की इस वाली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यार इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहने यार क्लच मास्टर गेमिंग। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।